तो जोशी मठ की अनदेखी से आक्रोशित आपदा प्रभावितों ने नगर में बाजार बंद कर चक्का जाम कर दिया। करीब 3 घंटे तक चले चक्का जाम से बद्रीनाथ के तीर्थ यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रभावितों का कहना है कि 21 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी सकारात्मक पहल सरकार द्वारा नहीं की गई है। जब तक प्रशासन शासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक चक्का जाम जारी रहेगा। जोशीमठ से संदीप कुमार की रिपोर्ट। मैंने पहले यहीं पे बैठे थे, यहीं पे गवर्नमेंट के आदमी आए थे, सरकार के आदमी आए थे और यहाँ पे हमसे कुछ वादे किए थे। उसके बाद उन वादों की लिस्ट लेके हम गोपेश्वर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देहरादून, यहाँ तक की दिल्ली तक चले गए। देहरादून कई बार की वार्ताएं हुई, लेकिन निष्कर्ष कहीं कुछ निकला ही नहीं। आज 21 महीना हो गया है, लेकिन कहीं धरातल पे इतना काम हो जाता संतोष होता। ये केवल हमारे साथ छलावा है। हम यहाँ दिल्ली दौड़ते रहे, देहरादून दौड़ते रहे, एक ही तरीका है। अब हम यहाँ पे चक्का जाम करेंगे, सरकार वादे करेगी, हमारा प्रोटेक्शन करेगी, तो हम चक्का जाम खोलेंगे, नहीं तो यहीं पे बैठ गए न जाने करते बैठे रहेंगे।